वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दीदी का स्पेशल ड्रेस जो हमने कल कटिंग किया था, आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रीति आपको सब कुछ आसानी से समझा देगी। कटिंग तो आपने सीख ही लिया है और जिस जिसने कटिंग नहीं सीखी है जाकर सीख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कटिंग वाली वीडियो का। और आज स्टिचिंग करने वाले हैं और स्टिचिंग बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। और हम आज जिस ड्रेस की स्टिचिंग कर रहे हैं उस ड्रेस का नाम है आलिया कट वी ओके फ्रॉक। और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारा काम है। तो आपको पूरी चीजें एक 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 करके पूरा देखना होगा तभी आपको समझ में आएगी कैसे बनी। और अगर आप स्किप करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बना लिया, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फिर कुछ आया ही नहीं समझ में। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज आराम से बताऊंगी आपको तो आप लोग सब चीज समझ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टिचिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं और आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फ्रेंड्स तो देखिए पहले अपना पूरा मटेरियल देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है हमारा फ्रंट वाला अस्तर जिसमें वी योके वाला जो वी वाले चोली होती ना वो कटिंग दी हुई है हमने। तो ये अस्तर है दोनों साइड का, ये आगे का ये पीछे का, और ये दोनों साइड की हमारी जॉर्जेट मेन फैब्रिक। तो ये चोली हो गई हमारी। इसके बाद इसमें लगेगा नीचे जॉर्जेट वाला घेर, तो ये आगे वाला जॉर्जेट का घेर, ये पीछे वाला, और ये हमारा दोनों साइड का अस्तर। इसके बाद बारी आती है स्लीव्स की, तो ये हमारी स्लीव्स यहाँ तक की है। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल ऐड करेंगे, तो ये नीचे की फ्रिल है हमारी दोनों। और ये फ्रंट वाला नेक है हमारा। इसके बाद ये जो रखी हुई है यहाँ पर, ये है हमारे नीचे घेर में जो फ्रिल हम लगाने वाले हैं, ये वो है। तो चलिए स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इन सब को साइड में कर देंगे और चोली से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट वाली चोली को हम सीधा करके रख लेंगे। इसके बाद हम इसको अस्तर को रखेंगे इसके ऊपर उल्टा करके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। इसकी हमने बराबरी में कर ली कटिंग। इसमें हम सेंटर पे एक कट लगा देंगे और यहाँ पर भी हम थोड़े थोड़े कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको पलट के अस्तर को कर देंगे बैक साइड और इसको अच्छे से हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने अच्छे से बाहर कर दिया है। अब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पॉइंट की सिलाई इसमें लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट की सिलाई इसमें हमने लगा दी है। अब इसको हम पलट देंगे और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। इसी की वजह से हम इसको भी पलट के उल्टा कर लेंगे, इसके ऊपर अस्तर रख लेंगे और इसको भी सभी जगह से कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है बाद में इसकी फिनिशिंग कर देंगे। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर दिया है और इसकी फिनिशिंग भी कर दी है। अब हम बनाएंगे इसमें नेक, तो इसको कर लेते हैं सीधा। और ये जो हमारी पट्टी है ये हमने अपने ये वाले नेक के नाप से कटिंग कर ली है और चौड़ाई में ये 1.5 इंच की है। इस पट्टी को हमें यहाँ से बाहर साइड से इतना इतना फोल्ड कर देना है और फ्रंट वाला नेक ले लेना है। एक हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया जो वेस्ट था और इसको हम नेक को इसके ऊपर रख लेंगे यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बाहर साइड से कटिंग करके उसको पलट के इसमें अटैच करेंगे। आगे का नेक भी तैयार कर लिया, पीछे की पट्टी भी तैयार कर ली। अब हम बैक पार्ट लेंगे और इसको रखेंगे सीधा करके और इसमें हम ये डोरियां भी लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने 2 इंच नीचे नेक से 2 इंच नीचे कट लगाया है, यहाँ पर डोरी रख देंगे, दूसरी डोरी इस साइड रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे पट्टी को और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद हम चलेंगे फ्रंट साइड। फ्रंट साइड पहुंच गए हैं, इसके ऊपर रख लेंगे हम अपना नेक बकरम वाला, यहाँ से लेके बिल्कुल बकरम के बगल से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे इसमें और पलट के अंदर कर देंगे। और यहाँ से हमें सेंटर बिल्कुल मिला लेना है कि इसका सेंटर और नेक का सेंटर बराबरी से आना चाहिए। फ्रंट का नेक भी हमने तैयार कर दिया है और हमने बैक का नेक भी रेडी कर दिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर लेस। तो लेस जो है ना फ्रेंड, दीदी ने ये वाली डिसाइड की थी, दीदी ने ये वाली डिसाइड की थी बट मुझे ये वाली पसंद नहीं आ रही है, तो मैंने दीदी से मना कर दिया है कि ये वाली हम लेस नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ये जो कलर है ना गोल्डन, ये अलग गोल्डन है और इसमें ये ना डार्क गोल्डन आ रहा है। तो मैं दीदी से बोल रही हूँ ये मुझे पसंद नहीं आ रही है, इसलिए दीदी ने और हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि हम कल इसकी दूसरी लेस लेकर आएंगे मार्केट से। तो हम आज इसको रखते हैं और कुछ और चीज बनाते हैं और अब इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए हम लोग ये वाली लेस लेकर आ गए हैं
ये वाले दो बंडल लिया है, एक दुपट्टे में काम आ जाएगा और एक फ्रॉक के काम आ जाएगा। फ्रेंड्स तो हमारी ये वाली जो लेस है इसमें हम चोली को, इसको हम चोली पर कैसे लगाएंगे, एक तो हम यहाँ गले पर लगाएंगे और एक यहाँ पे योक पे लगाएंगे। फ्रेंड्स लेस हम लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से हम बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले, हम लगाएंगे सिलाई के ऊपर से। तो यहीं पे हमें रखना है और लगाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर लेस लगा दी नेक के ऊपर, अब हम लगाएंगे यहाँ पर। और अगर आपको टक्स बनानी हो तो आप पहले टक्स बना लीजिए फिर लेस लगाइए। नेक पर एंड वी ऊपर हमने लेस लगा दी है, अब हम इसको हटाएंगे, बैक पार्ट को रख लेंगे सीधा करके और इसमें से फ्रंट पार्ट को रख लेंगे उल्टा करके और यहाँ से शोल्डर को मिलाना है और पट्टी को पीछे साइड पलट देना है और इसके ऊपर डबल सिलाई करके इसको अटैच कर देना है। ऐसे इस वाले को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की शोल्डर अटैच करने के बाद इसको हमें पलट देना है शोल्डर को पीछे साइड, मतलब पीछे की पट्टी को पीछे साइड। पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देंगे, कच्ची सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। फ्रेंड्स तो ये रही हमारी स्लीव्स, इसको खोल कर लेंगे सिंगल, अस्तर को लेंगे इसके ऊपर यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है, अब इसको हम पलट के कर लेंगे पीछे साइड और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को हमने सभी जगह से अटैच करके फिनिशिंग वगैरह कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर फ्रिल। तो फ्रिल ये रही हमारी फ्रिल की पट्टी, इसमें हमें करना है दोनों साइड पीको। ये हमने इसको फंसाया और पीको करना स्टार्ट कर देंगे। कर ली है और इसी के जैसे हमने एक फ्रिल में और पीको कर लिया, क्योंकि दोनों स्लीव्स की अलग अलग फ्रिल है ना इसीलिए। और जैसे फ्रेंड्स हमने इसमें दोनों साइड पीको की है ना, ऐसे ही हम जब नीचे वाले घेर की फ्रिल लगाएंगे ना तो इस वाली फ्रिल में भी हमें ऐसे ही पीको करनी है दोनों साइड। तो अब हमें इसको ले लेना है और इसमें बनाएंगे हम फ्रिल और फ्रिल बनाकर यहाँ पर अटैच करेंगे। हमें थोड़े दूर से, मतलब लगभग एक इंच दूर से यहाँ पर मशीन में इसको फंसा देना है। और अब हम इसमें बनाएंगे चुन्नटे, तो थोड़ा सा तो हम मार्जिन के लिए प्लेन रख लेंगे और अब हम यहाँ पर गैदर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रिल हमने बना ली है, अब इसको अटैच कैसे करेंगे। स्लीव्स को रखना है हमें सीधा करके और इस फ्रिल को भी रखना है हमें सीधा करके। सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। फ्रिल हमने अटैच कर दी है, इसके बाद इसको ऐसे ऐसे कर देना है, थोड़ा फ्लावर टाइप से ये लगने लगे ताकि अच्छी सी दिखे। ये बन गई हमारी स्लीव्स, इसी जैसे एक स्लीव्स और बना लेंगे। इसी के जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है, अब हम इसको अटैच करेंगे। तो हमें अपनी स्लीव्स को ले लेना है और यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे और लगाते जाएंगे, पूरे यहाँ तक लगाकर इसको अटैच कर देंगे और वो भी डबल सिलाई लगाकर। और इस वाली स्लीव्स को हम इस साइड अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है और अभी ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगने लगी है। तो बनने के बाद तो और पूरी, मतलब तैयार होने के बाद तो और सुंदर लगेगी। अब हम इसमें लगाएंगे घेर दोनों साइड का। तो अभी इसको करते हैं साइड में और अपना नीचे वाला घेर ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कलियां अटैच करेंगे। तो ये वाली जो कली है ना, एक पार्ट को हटाना है
और कली को उठाना है, इसके ऊपर रख देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी किनारी दबाकर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे और इस वाली कली को भी इसके ऊपर पलट के सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। सिलाई लगाकर इसको हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे सिंगल और सिंगल करके इसको एक और ये दो पलटी में पूरे घेर को यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड कर देंगे और इस वाले घेर को भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे के घेर को हमने फोल्ड कर दिया है डबल पलटी में और ये जो है ना हमारा ये बैक पार्ट है और ये वाला जो है ना फ्रेंड्स ये वाला नोक वाला ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस जॉर्जेट का हमें घेर इसमें अटैच करना है चुन बनाकर। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सीधा है और इसको हमने वहां से भी सीधा करके रख लिया है। इसके ऊपर रख लेंगे हम जॉर्जेट को और यहाँ पर इसमें प्लेट्स मतलब आपको जिस टाइप की पसंद आए आप उस टाइप की इसमें चुन प्लेट्स गैदर्स जो चाहे आपको पसंद हो वो आप बनाकर इसमें अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करना मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बताऊंगी इस वाले को, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे नॉक वाला है सीधा है तो आप तो आसानी से कर लेंगे लेकिन नॉक वाले में आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं आपको ये वाला सिखाऊंगी। बैक साइड की चुन हमने इसमें बना दी है और चुन का साइज हमने कुछ ऐसा रखा है ये देखिए लगभग आधे आधे इंच की चुन इसमें बनाई है हमने और थोड़ा सा इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा चढ़ा के बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इसमें हमारे पास फैब्रिक थोड़ा ज्यादा है क्योंकि 2 मीटर घेर है हमारे पास। ये जॉर्जेट का फैब्रिक जो है 2 मीटर है और कमर तो छोटी सी है इसलिए थोड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा चढ़ा कर बना लिया है। अब इसको हटा देंगे। ये मैंने आपको क्यों नहीं दिखाया क्योंकि ये तो सीधा ही बनाना था, मैं आपको ये वाला बनाना दिखाऊंगी। अस्तर जो है इसको हमने सीधा करके रखा है और ये जॉर्जेट है हमने इसको भी सीधा करके रखा है और दोनों को नोक के पास से मिलाकर रख लिया है। और यहाँ पर हमें चुन ऐसे बनाना है कि यहाँ पर हमारी दोनों साइड की नोक आपस में आकर मिल जाए। तो यहाँ कोने से हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हम प्लेन रखेंगे अंदर मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद हम यहाँ से हाफ हाफ इंच की प्लेट बनाएंगे और थोड़ा सा इसको एक के ऊपर एक चढ़ाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों वी वाले जो हिस्से हैं यहाँ पर आकर मिल गए हैं। अब हम इस साइड वाली भी स्टार्ट कर देंगे यहीं से। वी वाले हिस्से में हमने इसमें चुन बना दी है और यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन रख लिया दोनों साइड सिलाई मार्जिन के लिए। तो वी में हमने चुन बना के इसको सीधा करके रख लिया है। अपनी चोली को हमें लेना है और यहाँ वी से वी को मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से मिलाया और यहाँ पे भी ऐसे मिला दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ नोक वाले हिस्से से ताकि एकदम सही आ जाए। अस्तर को अच्छे से हमें पीछे साइड पीछे कर देना है ताकि झोल ना आए। साइड से सिलाई लगा दी। इसके बाद हमें यहां से इसको ऐसे पलट के लगाना है ताकि गड़बड़ बिल्कुल ना हो और थोड़े पहले से ही लेंगे ताकि एक के ऊपर एक सिलाई चढ़ जाए तो बढ़िया से मजबूती हो जाए। फ्रंट वाला घेर और चोली को हमने अटैच कर दिया है। अब बैक वाले को भी हमने सीधा करके रखा है और बैक वाले को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे पलट के और यहाँ से लेके यहाँ तक डबल सिलाई लगाकर इसको इसमें अटैच कर देंगे। बैक वाली चोली को भी हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे उल्टा इस तरीके से, ऐसे मिला देंगे दोनों चोलियों को आपस में। ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हम पक्की सिलाई लगाकर यहाँ से लेके इस वाले कट को मिलाते हुए और यहाँ से लेके पूरे
यहाँ तक फिटिंग कर देंगे इस साइड की और ऐसे हम कर देंगे इस साइड की, दोनों साइड की फिटिंग हम कर लेंगे। दोनों साइड की हमने फिटिंग कर दी है, अब हम इसको हटाएंगे अस्तर को और नीचे वाले अस्तर को भी हटा देंगे यहाँ से और जॉर्जेट को अकेले ले लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके नीचे तक सिर्फ जॉर्जेट में अकेले सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इन दोनों अस्तर को इसके ऊपर मिला देना है इस तरह से, और मिलाएंगे कैसे वो भी आप देख लीजिए। ये जो अस्तर है इसको हमने सीधा करके रखा है, जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से हम तिरछा करके रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इस अस्तर को रख देंगे हम सीधा करके, दोनों अस्तर आपस में मिल जाएंगे, जॉर्जेट का फैब्रिक इस साइड से तिरछा चला जाएगा। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से नीछे तक, तो यहाँ से जॉर्जेट का फैब्रिक छूट जाएगा। यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग भी हमने कर दी है। अब हम इसमें से अपने जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लेंगे और बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, एक और ये दो, दो पलटी में हम इसको पूरे घेर को पतला पतला फोल्ड कर देंगे। क्यों फोल्ड कर रहे हैं? ताकि हम जब इसमें फ्रिल लगाएं तो इसमें से ये धागे वगैरह लटकते हुए ना दिखें। नीचे के पूरे घेर को हमने पतला पतला फोल्ड कर दिया है, अब हम अपनी फ्रिल ले लेंगे। और आप फ्रिल का ये मत भूलिएगा कि हम आपको बनाना नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर जो बनाना बताई है ऐसे ही हम ये वाली फ्रिल बनाई है। यहाँ पर पीको कर ली, यहाँ पर पीक करी जैसे हमने इसमें की थी और जैसे हमने यहाँ पर चुन बनाई है और इस तरीके से इसको अटैच की है, इसको भी हमें सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर चुन बनाना है, इतने इतने दूर इसमें चुन बनाकर इसको पूरे घेर में अटैच कर लेना है जैसे हमने स्लीव में की थी। फ्रॉक को हमने सीधा करके ले लिया है, एक कॉर्नर से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे फ्रिल को। ये हमने इसको सीधा करके रखा है और ये जो हमारी फ्रिल की पट्टी है इसको भी हम सीधा करके ले रहे हैं और यहाँ से हम ये जो हमारा घेर है ना यहाँ से एक इंच इसको ऊपर साइड से चढ़ा के रखेंगे इस तरीके से। और अब हम डायरेक्टली इसमें चुन बनाते जाएंगे और इस फ्रिल को इसमें अटैच करते जाएंगे। ये हम लास्ट में पहुंच के हमने इसको निकाल दिया है, जितनी भी फ्रिल एक्स्ट्रा हो रही है उसको हम कट कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐसे उल्टा करके, इधर करके दिखाओ, इसको ऐसे पलट के उल्टा करके पहले सिलाई लगा के पैक कर देंगे। अब वापस इसको मशीन के अंदर कर लेंगे। अभी हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है इसको, तो अब ये एकदम गोल गोल फ्रिल हो जाएगी। अब इसकी हम पूरे की चुन्नट बना देंगे। फ्रेंड्स, पूरी फ्रिल लगाकर ये पूरी फ्रॉक हमने रेडी कर ली है। योगे आलिया कट फ्रॉक बन चुकी है हमारी दीदी की स्पेशली। तो फ्रेंड्स, दीदी की ड्रेस तो बन गई है पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या बनाना चाहिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मुझे स्पेशल फंक्शन के लिए कौन सा ड्रेस बना लेना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई सहा जो आपके पास फोटो हो या ऐसे डिसाइड करके रखा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्रीति साहू के नाम से है मेरी इंस्टा आईडी। और ये पूरी फ्रॉक तो बन गई है और इसका जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा रेडी करेंगे हम, तो उसमें कुछ ऐसे लेसेस के डिजाइन देने वाले हैं तो वो हम आपको ब्लॉग में दिखा देंगे। और इसकी जो लटकन है ना, लटकन का हमने शॉर्ट जो है ना हमारे शॉर्ट वाले चैनल मतलब दर्पण बुटीक शॉर्ट्स पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने और दीदी ने यही डिसाइड किया था कि आपको लटकन बनाना और दुपट्टा रेडी करना है इसी वाली वीडियो में बता देंगे, बट ये वाली वीडियो इतनी लंबी हो गई तो हमने कहा आपको दुपट्टा ब्लॉग में दिखा देंगे। दुपट्टा और ये पूरे ड्रेस वगैरह सब दीदी वेयर कर रही होगी, आपको ब्लॉग में दिख जाएंगे और कैसे हम दुपट्टा बना रहे हैं ये भी बता देंगे। और हमने लटकन बनाने का भी सोचा था कि लटकन बनाना भी आपको यहीं पर बता दें, बट अभी बहुत ज्यादा देर हो रही थी तो हम लोगों ने नहीं बता पाया आपको, क्योंकि आप लोग वैसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्दी वीडियो अपलोड करो जल्दी वीडियो अपलोड करो, तो आज का टाइम और निकल जाएगा। फिर हमने कहा एक काम करते हैं आपको ये वाला वीडियो तो अपलोड कर ही देते हैं, लटकन बनाना आप शॉर्ट में सीख लीजिएगा। और पूरी फ्रॉक आपको कैसे लग रही है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।